हम बात करते हैं इंशाल्लाह के गुनाहों के जो है वो असरात क्या हैं इंसान की ज़िंदगी पे और क्यों इन्हें छोड़ना चाहिए और क्यों हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए इंशाल्लाह शह कि गुनाहों से बंदा दूर रहे सबसे पहली बात तो ये समझ लें देखें कि गुनाह की नेचर ही ऐसी है कि वो आपको नुकसान देगा ये इसलिए नहीं है कि अल्लाह आपको पनिश कर रहा अल्लाह तो इंसान को पनिश करना चाहता ही नहीं कुरान में सूरह सूर्य निसा में अल्लाह कहते हैं अल्लाह तुम्हें पनिश करके क्या करेगा अगर तुम अल्लाह के मानने वाले और अल्लाह से इस्तार करते हो अल्लाह का शुक्र करते हो असल में तो इंसान खुद पनिश करता है अपने आप को तो जिस तरह एक रेडियो एक्टिव मटीरियल नुकसानदेह है उसके करीब आप जाएंगे आपको कैंसर हो जाएगा गामा रेज की वजह से इसी तरह गुना है आप उसके करीब जाएंगे हो ही नहीं सकता आपको नुकसान ना हो नुकसान आएगा ही आएगा तो वो हम ख़ुद अपना नुकसान करें ठीक है तो उसके असरा क्या हैं सम ऑफ दी कॉन्सिक्वेंस इब्ने इबन अल्कम की किताब से अखस शुदा है ये कॉन्सिक्वेंस नौ दस कॉन्सिक्वेंस उन्होंने बताएं ये इसलिए है क्योंकि नफस्याती तौर पर हमें जब एक चीज़ के असरा पता लग जाए कॉन्सिक्वेंस तो मोटिवेशन आ जाती है उससे बचने की इसलिए बता रहा हूँ ठीक है पहली चीज़ है जी कि नॉलेज से डिप्राइव हो जाना जितना भी आपको इल्म था जो भी था उससे डिप्राइव हो जाता है इंसान क्योंकि नॉलेज लाइट है नूर है गुनाह जो है वो नूर को ले लेता है और ये अक्सर असलाफ जब उनके पास कोई शिकायत करता था आके कि मेरी मेमोरी वीक हो गई है या मुझे कुछ चीज़ याद थी कुरान का कुछ पोर्शन याद था वो भूल गया है तो वो अक्सर उन्हें यही एडवाइस करते थे कि आप इस्तगफार करें क्योंकि गुनाहों की वजह से चीज़ें भूल जाती हैं ठीक है थीक? तो ये एक बहुत बड़ा असर है अल्लाह माफ़ करे किसी ने कुरान हिफ़्स किया हुआ है और बिल्कुल निकल गया है दिल से तो ये एक फ़िक्र करने वाली बात है और उसको कोशिश करनी चाहिए उसको वापस लाए और अपने गुनाहों को भी जाहिर है उनसे तौबा करें दूसरी चीज़ रिस्क का छिन जाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु सल्ला वल् फरमाया इब्ने माजा की हदीस है सही हदीस है एक शख्स को रिज्क मिलना होता है हलाल से लेकिन वो जल्दबाजी करके गुनाह करके वही रिज हराम से ले लेता है तो फिर उसको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता जो उसने ले लिया वो मिल जाता है ना अल्लाह की हेल्प उसके साथ होती है और ये जो हदीस है जो मैं अभी सुनाने लगा ये क्या है अ मैन इज ऑफ प्रोविजन बिकॉज ऑफ द देंस डेट ही कमिट्स इंसान को रिस्क से डिप्राइव कर दिया जाता है उसके गुनाहों की वजह से अब यहाँ पे हो सकता है आपके जहन में सवाल है कि नहीं यार फलाना इतने गुनाह करता है वो तो मौजें कर रहा है ठीक है उसने तो प्लॉट बना ली है, ये कर लिया वो कर लिया तो देखिए रिस्क चार तरह का होता है फाइनेंशियल वेल्थ इमोशनल वेल्थ सोशल वेल्थ टाइम वेल्थ हो सकता है उसके बाद फाइनेशियल वेल्थ हो लेकिन ना इमोशनल वेल्थ हो इमोशनल वेल्थ क्या है जहनी सकून वो भी रिस्क है गिन ठीक है दिल में एक सेट्सफेक्शन इसी तरह इमोशनल वेल्थ में है जज्बात पर कंट्रोल एंगर मैनेजमेंट अच्छी अखलाक अच्छा ये इमोशनल वेल्थ हो सकता है वो बंदा इससे महरूम हो आपने कई लोग देखे कुछ भी नहीं खाने को लेकिन जहनी सकून है अल्लाह की तरफ से औलाद दी है अल्लाह ने औलाद पल भी रही है माशाल्लाह और नेक औलाद है ठीक है सब कुछ है तो क्या ये रिस्क नहीं है बिल्कुल है सोशल वेल्थ इसी को कहते हैं कि आपकी औलाद अच्छी है आपकी बीवी अच्छी है आपकी आपका जो है वो घर वाले अच्छे हैं आपके साथ आपके साथ लॉयल लोग जमा हो गए तो वो भी रिस्क है टाइम वेल्थ टाइम में बरकत आपके काम जल्दी हो जाते हैं ठीक है आप करते ही वो हैं जो अल्लाह तआला को पसंद है ये टाइम में बरकत तो जब हम गुनाहों में पढ़ते हैं तो ये हमारा रिज डिप्राइव होता है टाइम से बरकत उठ जाती है टेंशनें बढ़ जाती हैं ठीक है टाइम मैनेजमेंट वीक हो जाती है नंबर टू आप देखें ना गुनाहों में वक्त कितना ज़ाया होता है अल्लाह माफ़ करे अगर एक गुनाह आदत बन चुकी है चार चार घंटे तीन तीन घंटे लोग उसमें पड़े रहते हैं ठीक है और वो ज़ाया हो रहा है वक्त सोचें कितना वक्त हम जवानी का ज़ाया कर देते हैं ठीक है इन चीज़ों में अल्लाह माफ़ करे तो उससे निकलना है अपने आप को मोटिवेट करना है फिर आप देखें सोशल वेल्थ हमारे साथ लोग ही ऐसे आ जाएं जो हमें खाने को तैयार है और बस उनकी नज़र हमारी दौलत पे हो तो फिर ये कौन सा रिस्क है इसका मतलब डिप्राइव हो रहा है और गुनाहों की वजह से फिर आप देखें इमोशनल वेल्थ जहनी सुकून है ही नहीं हर वक्त टेंशन है हर वक्त स्ट्रेस है हर वक्त परेशानी है हर वक्त मुँह पे शिकायत है तो इसका मतलब गुनाहों के असरात आ तो रहे हैं तो इसलिए गुनाहों के असरा रिस्क की तंगी से आते हैं ठीक है रिस्क कभी अल्लाह बढ़ा के देता है कभी घटा के देता है ओवरऑल रिस्क तो लिखा हुआ है लेकिन ये अल्लाह की डिस्ट्रीब्यूशन है अल्लाह अपने बंदों को चेक करने के लिए कभी ज्यादा दे देता है उस क्वांटिटी में से कभी कम कर देता है जब वो दोबारा इस्तवार करते हैं फिर बढ़ा देता है ठीक है ये अल्लाह बादशाह है अल्लाह जैसे चाहे कर सकता है नंबर थ्री अल्लाह और बंदे में एक ला तल्लुकी सेंस ऑफ एलिनेशन जो बहुत बड़ी पनिशमेंट है अल्लाह माफ बल्कि सबसे सीरियस बात है ये जब आप अल्लाह से दूर हो जाए और एक डिस्टेंस फील करें और एलोन फील करें दुनिया की सबसे बड़ी लोनलीनेस सबसे बड़ी तन्हाई अल्लाह से दूरी ठीक है।, है तो गुनाह वो उस डिस्टेंस को इनक्रीज़ करते क्योंकि देखें ना इंसान अल्लाह माफ़ करे अब गुनाहों में होता है तो अल्लाह ज़ाहिर है फरिश्ते उसके इर्द गिर्द नहीं होते फरिश्ते भी उठ जाते हैं उस जगह से रहमत नहीं होती अल्लाह की लेकिन उम्मीद होती है उम्मीद बहुत है अल्लाह गुनागारों को ही माफ़ करते हैं सी बात है अल्लाह ज़रूर होते हैं बंदे की तरफ मोहब्बत से देख भी रहे होते हैं चाहते हैं बंदा निकल आए और बंदा जो है मुझसे दुआ करे मुझे पुकारे लेकिन गुनाहों की वजह से आहिस्ता आहिस्ा ये रिलेशन वीक होता जाता है वीकनेस यहाँ तक आ जाती है कि एक बंदा ना मायूस हो जाता है कहता है यार क्या अल्लाह से मदद मांगूँ मैं तो बहुत ही एक्स्ट्रा कर चुका हूँ काम इसफ कर चुका हूँ गुनाहों के अब क्या मैंने अल्लाह से बात करनी ठीक है तो फिर बंदा गिव अप कर देता है गिव अप करके वो मज़द गुनाहों की तरफ चला जाता है इसलिए इस डिस्टेंस को कम करने के लिए इसतफार गुनाहों से तौबा करना गुनाहों को छोड़ना ताकि आप अल्लाह के करीब आ जाएं और उस रिलेशन को इंजॉय करें खालिक के साथ जो रिलेशन है ना वो सबसे खूबसूरत सबसे हेल्दी रिलेशन है सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन है और इंसान खुश हो जाता है खालिक के साथ रिलेशन स्ट्रॉग करके ठीक है ये चौथी चीज थिंग्स बिकम डिफिकल्ट फॉर हिम सो दैट ही डज नॉट टर्न हिज अटेंशन टूवर्ड्स एनी मैटर बट ही फाइंड्स द वे ब्लॉक्ड और ही फाइंड्स इट डिफिकल्ट काम मुश्किल होना शुरू हो जाते हैं गुनाहों की वजह से मैंने जैसे कहा रिस्क में तंगी आ जाती इस तरह कामों में भी मुश्किल आना शुरू हो जाती हैं अच्छा खासा काम कोई था होने लगा था एकदम मुश्किल बन गया रुकावट आ गई ठीक है तो इस मौके पे बंदे को इस्तगफार बढ़ाना चाहिए अपने गुनाहों की तोबा करनी चाहिए इस मौके पर ठीक है ताकि वो अटका हुआ काम जो अल्लाह की रहमत से वो ठीक हो जाए एक असलाफ थे सलफ थे उनका वाक़ है कि वो कुरान हाफिज़ थे तो उन्होंने क्रिश्चियन औरत से एक क्रिश्चियन औरत थी उससे उन्हें मोहब्बत हो गई बहुत खूबसूरत औरत थी वो तो ज़ाहिर ख़ूबसूरती की वजह से वो अट्रैक्ट हुए उस क्रिस्चन औरत ने उनके सामने शर्त ये रखी कि तुम इस्लाम छोड़ दो इस्लाम छोड़ कर जो है ना वो फिर तुम मुझे पालोगे तो वो जो सलफ थे उन्होंने बात मान ली अल्लाह माफ़ करे। ही लेफ्ट इस्लाम फ़ॉर द सेक ऑफ़ वुमेन उससे इम्प्रेस होगी और फिर जो है वो एक बार कहीं से गुज़र रहे थे तो कुरान की जो है ना वो ये आयत उनके सामने आई सूरह हज की कि लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो एज पे खड़े हुए हैं जब तक उन्हें अच्छाई आ रही है वो अल्लाह की तरफ है और जब तक जब उन्हें कोई मुश्किल आती है तो वो इस्लाम से चले जाते हैं और ऐसे लोग दुनिया में भी खसारे वाले आखिरत में भी खसारे वाले तो वो इतना रोए इतना रोए आयत सुन के कि अल्लाह ने मुझे मैसेज दे दिया है उन्होंने तोबा की और वापस आए तो मैं आपको बताने का मकसद ये कि, कि कई असलाफ आपको नज़र आएंगे जो बाद में मुहदस बने बड़े बड़े टीचर्स बने दीनदार लोग बने उन बहुत डार्कनेस में थे बहुत ज़्यादा जैसे अब्दुल्ला बिन मसलम का वाक़ है इमाम बुखारी के टीचर शराबी थे शराब छूटती नहीं थी ठीक है शराब के नशे में धुत थे एक दिन इमाम शाबी अशाबी आए जो कि उस दौर के बहुत बड़े मुहदस थे गधे पे सवार थे वो क्योंकि रसूलुल्लाह की सुन्नत है गधे पे रसूल ने सफ़र किया हुआ उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया अब्दुल्ला बिन मसलम ने शराब के नशे में धुत बेशर्मी से उनके सामने गए कहते हैं भाई कौन हो तुम लोग तुम्हारे इर्गर्द जमा हो रहे हैं किधर से आए हो इमाम शाबी ने कहा जी मैं मुहदस हूँ उन्होंने कहा जी महदस क्या होता है इमाम शाबी ने कहा मुहदस होता है जो हदीस सुनाता है तो उन्होंने बेशर्मी से कहा अच्छा मुझे भी सुना देखते हैं मुझ पर कितनी असर करती है शराब के नशे में धुत थे तो उन्होंने हदीस सुनाई कि नबी अक्रम सल वसलम ने कहा जब तू शर्म ना कर तो जो चाहे कर आप देखेंगे कि कितने जहीन थे कि वही मौका था वो बेशर्मी से आया था ना अल्लाह के नबी ने कहा ठीक है ये इस तरह है जैसे एक बाप बेटे को नहीं कहता जा फिर जो करना कर तो देखें वो हदीस ऐसा उनके ऊपर गिरी पहाड़ बन के उन्होंने कहा कि मैं उसी वक्त बस तोबा की इरादा किया गया अल्लाह मैं इतना बेशरम हो गया हूँ और माशाल्लाह आप देखें वो अब्दुल्ला बिन मसलम इमाम बुखारी के उस्ताद ठीक है हदीस के हवाले